सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, नमस्ते जी। हाँ जी, फिर से एक बार वीडियो बना रहे हैं। हमारे पास वैगनआर आई है, LXi, जो कि स्टार्ट नहीं हो रही है। अभी टोचन होके आई है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये भी हमारे मिस्त्री भाई के पास से ही मेरे पास आई है, और मिस्त्री भाइयों ने पूरा मतलब खोल खाल के अपनी जितनी भी उन लोगों की दिमाग था उतना लगा लिया उन लोगों ने, और गाड़ी को चालू नहीं कर पाए हैं। गाड़ी में प्रॉब्लम ये है कि देखिए, मेरे पास आई है तो इसमें यहाँ पर भी इमोबलाइज़र का लाइट और चेक लाइट, दोनों लाइट नहीं आ रही है। ठीक है जी, इमोबलाइज़र का लाइट और चेक लाइट, दोनों लाइट नहीं आ रही है। इसने उन्होंने सब चीज़ खोल खाल के देख लिया था, ये रिले बदल के देख लिए उन्होंने दोनों, पर मैं अपने हिसाब से बदलूँगा। ठीक है जी, आज ये इतना ही देखे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे, चेक करेंगे, उसका प्रोसेस फिर डालेंगे। हाँ जी, आज दूसरा दिन वैगनआर में अपन ने चेक किया था, तो हमारे को फॉल्ट मिल गया है इसमें। इसका जो ECU है ना, इसी में प्रॉब्लम है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो दो ट्रांजिस्टर हैं, जो भी है MOSFET बोलते हैं या फिर इसको IC बोलते हैं, इनकी जो टांगे देखिए अपनी जगह से गड़बड़ हो गई है, या तो फिर ये हीट हो गया है, है ना, या फिर ये ख़राब हो गया है। तो अब मैं इसको निकाल रहा हूँ, इस प्लेट को यहाँ से, क्योंकि मैंने भी पूरा जितने भी सप्लाई रिलों में आती है, प्लस माइनस की सप्लाई, छोटी भी जितनी भी सप्लाई आती है, सब चेक कर लिया। ये ECM को निकाल दो, मैं कैमरा पकड़ा हूँ ना, ECM को निकाल। निकाल जल्दी से। ये देखिए, मैं आपको अब दिखाता हूँ, जूम करना पड़ेगा। ये देखिए, चलिए मैं ये ट्रांजिस्टर को बदलता हूँ, बदल के फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। ये मेरा टेबल आ गया है, ECM रिपेयरिंग वाला, तो इसमें मेरे पास में सेम ECM क्या होता है, ECM का पार्ट्स तो मिलना बड़ा मुश्किल होता है मार्केट में, तो हमारे पास ये है। मेरे पास एक, इसको खोल के इसके अंदर से सामान निकालता हूँ, ठीक है, फिर मैं इसको लगाता हूँ। अभी क्या है, इसमें से मेरे को ये वाला ट्रांजिस्टर उखाड़ के, ये वाला और ये वाला, ये दोनों को उखाड़ के ना अपन ने दूसरा लगाना है। दूसरा लगाने के बाद में फिर गाड़ी को चालू करके देखता हूँ। अब मेरे पास दो ECM हो गए हैं, एक ये है और एक ये है ना। अब इसमें से ये पार्ट, ये वाला पार्ट मैं निकालूँगा, ये दोनों, और इसमें का निकाल करके दोनों को इसमें पल्टी करता हूँ, है ना। तो वो पल्टी करके फिर मैं आपको गाड़ी में लगाता हूँ। मेरा सोल्डरिंग आयरन चालू कर लिया मैंने, अब इसको, चलिए मैं वीडियो बनाते रहूँगा तो फिर चेंज करना मुश्किल होगा, मैं चेंज करके फिर आपको दिखाता हूँ। मैं इसमें से ये आइटम निकालता हूँ, निकाल करके इसमें लगा के फिर गाड़ी स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, ये देखते हैं अपन, वो जो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है। जहाँ तक पूरा श्योर है कि यही चीज़ ख़राब है, अब तो लगा के देखता हूँ कन्फर्म करके। ओके, हाँ जी, अब हमने ये IC लगा दी है, ये देखिए ये वाली, अब ये फिट हो गया है सब। अब लगा के देखो गाड़ी में, ठीक है, गाड़ी चालू होता है कि नहीं देखते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई कि नहीं। बैटरी बाहर निकला हुआ है ना, देखो खोल दो क्या? हाँ चल, खुलिए खुलिए, चला जा। चल लगा,
हाँ उसके बाजू वाला, हाँ सेंटर खाली रहता है। बैटरी लगा चलो। अब हमारी जो लाइट थी इमो वाली और चेक लाइट वो आई कि नहीं दिखते हैं। ये देखिए आ गई लाइट हमारी इमो वाली और चेक लाइट। ये दोनों लाइट नहीं आ रही थी ना, ये दोनों लाइट आ गई है। उधर पाइप पाइप लगा है ना, पेट्रोल का पाइप पाइप सब लगा है ना। चलो अब स्टार्ट करके देखते हैं गाड़ी हमारी स्टार्ट हो रही है कि नहीं। हाँ हो गई हमारी गाड़ी स्टार्ट। और ये हमने ECM बनाने में कामयाबी प्राप्त कर ली है। ECM हमारा रेडी है, बन गया है। होता यही है ना कि जो हमारे पास पुराना ECM है तो हम उसी से सामान निकाल के डालते हैं। तो देखिए हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। वही रिले सब चीज़ वही, हर चीज़ वही है। गाड़ी हमारी चालू हो गई है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो चलिए ठीक है, चलो कंप्लीट करो इसको। ठीक है अब फिर मिलेंगे आप कोई नई गाड़ी के साथ। ओके थैंक यू वेरी मच।